खुशी प्राप्त करने तथा कार्य संबंधी अपनी क्षमताओं को बनाए रखने के लिए अच्छा स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। इनमें से कुछ कारक जैसे संतुलित आहार, स्वच्छ जल तथा स्वच्छ पर्यावरण का हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि अन्य कारक जैसे जीवाणु से होने वाले रोग तथा दूषित वातावरण हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का, ठीक है, ये जो हमारा गृह विज्ञान है, ठीक है, NIOS बोर्ड का है, क्लास 10th गृह विज्ञान। आज जो हम करेंगे 7 चैप्टर जो है स्वास्थ्य पर आधारित। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि चैप्टर तो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है ही है, प्लस हमारे जीवन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको समझ लेते हैं तो जीवन के आधे बीमारी जो है हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्वस्थ रहना सभी व्यक्तियों का प्राथमिक धर्म है, ठीक है। जो स्वास्थ्य नहीं रहता वो जीवन भी उसका बेकार रहता है। लेकिन बेकार करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होती है, और मैं नहीं चाहता जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं वो अधूरा जानकारी के साथ अपना जीवन यापन करें, ठीक है। एक बात जो इंपॉर्टेंट और भी है वो ये है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर नया है तो आपको जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको NIOS अगर बोर्ड में पढ़ रहे हो तो आपको इसके रिगार्डिंग हमेशा जो है कुछ ना कुछ आपको प्राप्त होता ही रहेगा, और इससे आप अपना जीवन को अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। जो आपको आइकन बटन दिख रहा है वहाँ पर सब्सक्राइब का जो रेड है उसको जरूर दबा दीजिए, एक बार घंटी जरूर बजाइए, क्योंकि यही आपका प्राथमिक विषय होना चाहिए, आपका उद्देश्य, ठीक है दोस्तों। चलिए हम देखते हैं आज हमारा जो सिलेबस में है जो स्वास्थ्य है उसके बारे में क्या WHO ने कहा और क्या हमारे जीवन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। पहला टॉपिक जो है हमारा दोस्तों क्या है, स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य सभी के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। आपने यह प्रसिद्ध कहावत सुनी है, जहां है तो ही जहान है, यानी जान है तो ही जहान है। ये तो सबसे बड़ी सच्ची बात है, क्योंकि जान है तभी आप पढ़ सकते हो, तभी आप जीवन में कुछ कर सकते हो। अगर जान नहीं है तो जहान क्या, जीवन में कुछ भी नहीं है। जब आप स्वस्थ होते हैं तो आप अपने कार्य तथा अपने जीवन में सर्वाधिक आनंद प्राप्त करते हैं। यह एक मजबूत नींव है जिससे आपकी खुशी टिकी हुई है। अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए हमें कुछ प्रयास करने होते हैं तथा कुछ अच्छी आदतें विकसित करनी होती है, ठीक है। तो ये बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, अच्छे स्वास्थ्य पाने के लिए जो है हम सिर्फ अपने ही नहीं दे सकते, हमें अच्छी आदत भी विकसित करने पड़ेंगे। अगर आदत आपका अच्छा विकसित है तभी आप स्वस्थ हो, नहीं तो आप स्वस्थ नहीं हो। आखिर स्वस्थ क्या होती है? स्वस्थ सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं जिसकी व्याख्या विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न रूपों में की गई है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? क्या यह मात्र शरीर तंदुरुस्ती है या केवल रोगों से अनुपस्थिति है? आगे पढ़ने से पूर्व आइए स्वास्थ्य की परिभाषा को जानें। स्वास्थ्य की अपनी परिभाषा नीचे लिखी हुई है जो WHO रिगार्डिंग परिभाषित है। WHO ने दोस्तों यही कहा है। स्वास्थ्य की परिभाषा क्या WHO ने दिया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वास्थ्य पुण्य शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वस्थता की स्थिति है, न केवल लोगों से अनुपस्थिति है, अर्थात शरीर तथा मानसिक दोनों ही सुचारू कार्य प्रणाली है। यानी आपका जो स्वास्थ्य है वो पूरी तरह से आपका कार्य प्रणाली होता रहे, यानी आप मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तौर से फिट रहो, उसे ही स्वास्थ्य कहा जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर का फेवरेट रहा है और हमेशा ये पूछ लेता है कि WHO के रिगार्डिंग स्वास्थ्य की परिभाषा दी। तो याद रखना कि स्वास्थ्य पुण्य शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिति है, ना कि केवल रोगों की अनुपस्थिति अथवा रोगों की मानसिक दोनों के सुचारू कार्य प्रणाली। कि हम जरूरी नहीं कि हमें रोग हो चुका है तो हम जो है स्वास्थ्य नहीं है, ऐसा नहीं है। रोग हो जाने से आप अस्वस्थ नहीं हो, आपको शारीरिक भी होना चाहिए, मानसिक भी होना चाहिए और सामाजिक तौर पर भी स्वस्थ होना जरूरी है, तभी आप स्वस्थ कहलाओगे। अगर इनमें से कोई भी अगर आपका कार्य नहीं कर रहा है तो आप स्वस्थ नहीं कहलाओगे, ये स्वास्थ्य की परिभाषा में परिभाषित नहीं किया जाता है। क्योंकि WHO ये कहता है कि आप सिर्फ रोग से ग्रस्त हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बीमार हो, ऐसा नहीं है। आप शारीरिक रूप से भी हो स्वस्थ होना चाहिए, यानी और आपकी मानसिक भी होना चाहिए और सामाजिक तौर पे भी आपको स्वस्थ होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं हो, ये WHO कहती है। जैसा कि आप ये पिरामिड देख रहे होगे, इसमें जो है बिल्कुल साफ क्लियर किया गया है कि मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तौर से, यानी स्वास्थ्य के तीन आयामों को दर्शाता स्वस्थ त्रिकोणीय है। यानी ये आपके पास नहीं होगा तो आप स्वस्थ नहीं हो। अगर इनमें से कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, चाहे आप शारीरिक तौर से कोई प्रॉब्लम हो रखा है, मानसिक तौर से आप डिस्टर्ब हो या सामाजिक में आप अच्छे नहीं मिल रहे हो, तो भी आप बीमार हो। उस समय के याद कीजिए जब पिछली बार आप बीमार हुए थे, किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित हुए थे, क्या उस समय आप चिड़चिड़े
ही हो गए थे। एक अस्वस्थ व्यक्ति को बिना किसी कारण क्रोध आने लगता है और वह उसे काम करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसका शरीर कमजोर हो जाता है। इसके विपरीत जब आप स्वस्थ होते हैं और अपने मित्रों के साथ होते हैं तो आप आनंद तथा उत्साह का अनुभव करते हैं और अपने कार्यों को करने में आपको आनंद आने लग जाता है। तो यही जो है स्वास्थ्य की परिभाषा दिया गया है। परीक्षाओं के दौरान आप कैसा महसूस करते हैं? तनाव के कारण आपका रक्तचाप बढ़ जाता है, यानी आपका ब्लड प्रेशर जो है काफ़ी हाई हो जाता है, आप हाइपरटेंशन हो जाते हो, ठीक है, और आपको नींद नहीं आती है। यद्यपि तनाव की कुछ मात्रा आपके लिए बेहतर निष्पादन में भी सहायक होती है, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य के संयोजन को माध्यम से ही समग्र स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप शारीरिक तौर से स्वस्थ हो, मानसिक तौर से स्वस्थ हो, सामाजिक तौर से स्वस्थ हो, तभी जाके आप स्वस्थ कहलाओगे। अगर इन तीनों आयामों में से किसी भी तरह का आपका प्रॉब्लम है तो आप बीमार हो, ठीक है, और ये बीमारी आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो यही जो है WHO ने परिभाषित किया है। आपको सिर्फ माइंड में दोस्तों इतना रखना है कि अगर स्वास्थ्य उसे कहते हैं जो कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर से स्वस्थ होता है उसे स्वस्थ कहते हैं। ये WHO का परिभाषा है दोस्त, WHO ने इसको डिफाइंड किया है। द पर्सन इज अ जो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली जो फिट हो, इट इज़ अ हेल्दी, ओके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रखता है आयाम। चलिए देखते हैं हमारा आगे क्या है। आगे हमारा है अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण। देखिए, एक व्यक्ति के अच्छे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे दिए गए हैं। जैसे पहले अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लक्षण क्या होते हैं? जैसे आप ऊर्जापूर्ण तथा सतर्क बने रहते हैं, यानी हर चीज़ के लिए आप सतर्क रहते हो, हर चीज़ों के लिए आप जागरूक रहते हो, तो आप जो हो शारीरिक तौर से क्या हो, स्वस्थ हो। आपका वजन आपकी आयु तथा लंबाई के अनुरूप सामान्य रहता है तो आप स्वस्थ हो, ठीक है। आपकी आंखें तेज तथा चमकदार रहती हैं तो आप जो है शारीरिक तौर से स्वस्थ हो। आपकी त्वचा साफ एवं सुंदर रहती है तो आप स्वस्थ हो। प्राकृतिक रंग व रूप के साथ आपके बालों का सामान्य विकास हो रहा है तो इसका मतलब आप क्या हो, स्वस्थ हो। आपकी श्वास में दुर्गंध नहीं आती है, यानी आप जब सांस लेते हो या सांस छोड़ते हो तो दुर्गंध नहीं आती है तो आप स्वस्थ हो। देखते हो कोई बच्चे जो होते हैं ब्रश नहीं करते हैं, ठीक है, उनके मुंह से बदबू आती है तो भी आप अस्वस्थ हो, क्योंकि बदबू आना भी अस्वस्थ की लक्षण को दर्शाता है, ठीक है। आपका पाचन तंत्र अच्छा रहता है तो आप अच्छे स्वस्थ हो। अगर आपको पाचन तंत्र से कोई तरह की समस्या है तो आप 100% बीमार हो। आपकी अच्छी नींद आती है, आप जाते हो तो अच्छे से गहराई से गहरी नींद आती है तो जाके आप क्या हो, स्वस्थ हो। ऐसे लोग सक्रिय, प्रतिक्रियाशील तथा प्रसन्न रहते हैं और तुलनात्मक दृष्टि से उस अधिक मेहनत और अच्छी कार्य निष्पादन करते हैं। ऐसे लोग जो स्वस्थ रहते हो वो हर चीज़ों में क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, ठीक है, और हर तरह से क्या करते हैं, अपने कार्य में सरल रहते हैं। आगे हमारा क्या है दोस्तों, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण। मानसिक यानी हमारे जो है मनोविज्ञान हमारा सही होना चाहिए, ठीक है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रहता है तो आप स्वस्थ हो। अगर अपने भावनाओं पर आपको नियंत्रण नहीं, हर बात का रो देते हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं बीमार हो। इच्छाओं, आकांक्षाओं और लक्ष्य तथा विचार में संतुलित होता है। अगर आपको इच्छाएं, आकांक्षाएं, लक्ष्य और विचार में संतुलित है, यानी हर बात जो कहते हो वही करते हो, तो इसका मतलब है आप क्या हो, मानसिक तौर से स्वस्थ हो। जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करने तथा उनका सम्मान करने में सक्षम होते हो तब जाके आप स्वस्थ हो। कुछ बंदे होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, जो वास्तविकता है उसको स्वीकार नहीं करते हैं, कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो ये जो है मानसिक तौर से अस्वस्थ रहते हैं। अपनी क्षमताओं के प्रति आत्मविश्वास उत्पन्न होता है तो जाके आप स्वस्थ हो। अगर आपके पास आत्मविश्वास है तब आप स्वस्थ हो। अन्य व्यक्ति के प्रति सहयोग की भावना रहती है, अगर आप दूसरे को सहयोग करते हो तब जाके आप मानसिक तौर पे मतलब स्वस्थ हो। ऐसे व्यक्ति, ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर दूसरे की मदद लेने की क्षमता विकसित होती है तो जाके आपको स्वस्थ हो, क्योंकि दूसरे को सहायता करना और सहायता लेना भी मानसिकता का एक परिचय है। ऐसे व्यक्ति सृजनात्मक ढंग से कार्य कर सकते हैं और समाज के प्रति अपना योगदान करते हैं, ठीक है। ऐसे ही व्यक्ति को जो है समाज के लेके चल सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। आगे हमारा है क्या, अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य के लक्षण। देखिए, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रहता है तो आप सामाजिक तौर से स्वस्थ हो। दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो तो जाके आप स्वस्थ हो, कि समाज में हर एक छोटा हो या बड़ा हो सबको हमें सम्मान करना है, हमें छोटे को नुकसान नहीं पहुंचाना है या किसी तरह के बातें नहीं करना है, ठीक है। मोहक व्यक्तित्व होता है, यानी आप हर से अच्छे बातें करते हो, मोहक आपका व्यक्तित्व है तो जाके आप समाज में स्वस्थ हो, ठीक है। दूसरे के प्रति अपने दायित्व और कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए। देखिए, अगर आप समाज में हो तो आपका जो दायित्व है वो निभाओ,
तब जाके आपको स्वस्थ माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको दायित्व अगर आप नहीं निभाते हो तो आप स्वस्थ नहीं कहलाओगे। स्वस्थ अंतर्व्यक्तिगत संबंध रखते हैं, ठीक है, असहमति को सकारात्मक रूप में स्वीकार करते हैं, तो ही जाके हम कह सकते हैं कि वह सामाजिक तौर पर क्या है, स्वस्थ है। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ, व्यक्तिगत स्वास्थ्य को वाले प्रकार, यानी स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। अब स्वास्थ्य को प्रभावित होता है वो कौन करता है, कौन से कारक हैं जो स्वास्थ्य को इफेक्ट करता है। स्वास्थ्य रहते तथा रोगों से मुक्त रहने की देखरेख की व्यक्तिगत स्वास्थ्य है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के विभिन्न निम्न है, देखिए सबसे पहले तो एक ही बात आता है हमारा, संतुलित आहार। ठीक है, अगर आप सुबह खाना खा के नहीं गए हो तो भी आपके मन में चिड़चिड़ापन रहेगा। और स्वास्थ्य भोजन क्या होता है, जैसे यहाँ पिरामिड में दिख रहा है वैसे ही हमारा जो है ये स्वास्थ्य भोजन के लक्षण है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है संतुलित आहार। जैसे आपने पहले ही पढ़ा है, संतुलित आहार वह आहार है जिसमें एक निश्चित आयु में एक व्यक्ति को पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, भाषा, विटामिन, खनिज तथा जैसे सही अनुपात में उपलब्ध हो। एक किशोर बालक को प्रतिदिन लगभग 2400 से 2600 कैलोरी रज ऊर्जा की आवश्यकता होती है और एक किशोर बालक को 2500 कैलोरी रज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया गया है कि एक बालक के लिए, देखिए एक लड़का है उसको 2400 लेके 2600 कैलोरी की आवश्यकता होती है और एक लड़की होती है उसको 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम व्यू से, कभी कभी पूछ लेता है कि बालक को कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है और किशोर बालिका को कितना चाहिए। तो ये याद रखना कि इसको जो है 2600 के आसपास ही चाहिए होता है और उसे 2500 या 2400 के आसपास चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ 2400 से 2600 लिख रखा है और यहाँ 2500 कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन पिरामिड में हमें अपने भोजन में शामिल करने वाले भोजन की विभिन्न श्रेणियों और उनकी गुणवत्ता को दर्शाया गया है। ठीक है, जिसके बारे में आपने देखा भी था। उसके बाद है व्यक्तिगत स्वास्थ्य। देखिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य क्या होता है, हमारा अपना पर्सनल होता है। स्वास्थ्य तथा स्वच्छता एक साथ चलते हैं। ठीक है, याद रखिए कि स्वास्थ्य और स्वच्छता एक साथ ही चलते हैं। स्वयं को रोगों से मुक्त रखने तथा अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आपको निरंतर स्वच्छता का अनुसरण करना चाहिए। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विभिन्न कार्यकलापों में सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छता बनाए रखना है। ठीक है, शब्द हाइजीन तो आपने सुना ही होगा। हाइजीन स्वास्थ्य के प्रतीक शब्द हाइजिया से बना है जिसका अर्थ है स्वास्थ्य की देवी। ठीक है, हाइजीन यानी स्वास्थ्य की देवी। स्वच्छता का अनुसरण करने पर अनेक संक्रमण रोगों से बचा जा सकता है, जैसे अतिसार, हैजा, टाइफाइड, कृमि संक्रमण, पीलिया, त्वचा संबंधी रोग, तपेदिक, अन्य रोग। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इतने सारे रोगों का नाम बताया गया है ना, और लोग इन्हीं रोगों से ही ग्रस्त होते हैं। ठीक है, तो आपको चाहिए कि हमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य रहना बहुत जरूरी है। अगर आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो शायद आप जो है अच्छा जीवन यापन करना आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य का अनुसरण एक वांछनीय लक्षण है। यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि हम अच्छा स्वास्थ्य किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। परिवार तथा समुदाय के बुजुर्ग प्रायः आपको स्वस्थ रहने की सलाह देते हैं और समझाते भी हैं कि हमें किस तरह से जो है स्वस्थ रहने की आदत डालनी चाहिए। ठीक है, तभी तो देखते हो आपको माता पिता भी समझाते हैं कि सुबह सुबह ब्रश कीजिए, ठीक है, स्कूल जाने से पहले अपना जो नहा लीजिए, कपड़े आपके साफ सुथरे होने चाहिए। दोस्तों, यही सब चीज़ें जो होती है स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम होती है जिसको हमें प्रतिदिन मानना चाहिए। जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करता है, ठीक है, ब्रश करता है, वही जीवन में स्वस्थ जीवन को आनंदित हो सकता है। अगर जो ऐसा नहीं करता है तो वो किसी न किसी रूप में अस्वास्थ्य ग्रस्त रहता है और उसका जीवन जो है आगे चल के बहुत ही दुखदायक होने वाला है। आप देखते ही होंगे जो शादीशुदा होते हैं, जो थोड़ा आगे उम्र में चले जाते हैं, उनमें देखना कोई ना कोई बीमारी जो है उनको परेशान करके ही रखा रहता है, आए दिन डॉक्टर के पास जाते रहते हैं। तो रीजन इसका ये है कि वो बहुत सी जो क्रियाएँ हैं करना बंद कर देते हैं, जिसके वजह से वो बीमार पड़ना उनको निश्चित ही हो जाता है। तो इस चीज़ों को, आदतों को समझना ही एक जो है हमारे लिए उचित है, क्योंकि हमें एक स्वास्थ्य जीवन के साथ एक स्वास्थ्य नागरिक भी बनना है और समझदार व्यक्ति भी बनना है, तभी जीवन में सफलता जो है आपकी कदम चूम सकती है। ठीक है, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में कुछ सामान्य क्रियाएं होती है जो संक्रमण रोगों से हमें बचाती है। ये क्रियाएं हैं, नियमित रूप से स्वच्छ
की आदत। देखिए सोच की आदत जो है सबसे अच्छा होता है, क्योंकि कहते हैं ना पेट साफ तो आपका दिन रहेगा एकदम साफ, क्योंकि पेट में अगर कुछ प्रॉब्लम चलती रहेगी तो आप मानसिक तौर से बीमार रहोगे। ठीक है, नियमित रूप से सोच करने से आप शारीरिक रूप से तंदुरुस्त तथा स्वास्थ्य बने रह सकते हैं। ठीक है, भोजन से पूर्व हाथ को धोना, ये सबसे महत्वपूर्ण आदत होता है जो हम बचपन से बच्चों को सिखाते हैं। हाथों में सूक्ष्म कीटाणुओं के कारण अनेक रोग जन्म ले सकते हैं, इसलिए किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन करने अथवा शौचालय के प्रयोग के पश्चात हाथ को अवश्य धोना चाहिए। जहां हाथों को धोने के लिए साबुन उपलब्ध न हो वहां राख का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए राख भी ऐसा चीज होता है ना जो एंटीबॉडी के काम करता है और साबुन से भी अच्छा जो है हैंड क्लीन करता है। तो अगर आपके पास साबुन उपलब्ध नहीं है तो मिट्टी से, राख से, किसी से भी आप जो है हैंड वॉश कर सकते हो। नियमित रूप से स्नान करना तथा साफ कपड़े पहनना, ये भी एक स्वस्थ व्यक्ति का गुण का पहचान है। धूल मिट्टी कीटाणुओं को विकसित होने के लिए अनुकूल स्थान है। नियमित रूप से स्नान करने के परिणाम स्वरूप आपका शरीर धूल, जू अथवा कीटाणुओं से मुक्त रहता है। ठीक है, अगर नियमित रूप से आप स्नान करते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, तो शरीर में धूल कण जो होते हैं, जू कीटाणु, उस सबसे आप मुक्त रहोगे और आपका जीवन जो है काफ़ी खुशहाल बन जाएगा। दांतों को साफ करना, भोजन करने के पश्चात, ठीक है, भोजन करने के पश्चात खाद्य पदार्थ को छोटे कण दांतों में फंसे रह जाते हैं जो कीटाणुओं को विकास का माध्यम बनते हैं। अगर आपको पता है कि अगर खाना खाते हो, अगर आप मुंह साफ नहीं करते हो तो उसमें जो होते हैं कीटाणु बैठे रहते हैं और आपके दांतों को सरा रहे होते हैं। आप देखते हो बहुत से बच्चे छोटे होते हैं जो ब्रश नहीं करते हैं, उनका दांत जो है 100% सड़ जाता है। तो ऐसे चीज़ों को बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अच्छी आदत विकसित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये कीटाणु हमारे मसूड़े दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं और मुंह से बदबू पैदा करते हैं। प्रतिदिन दांतों को ब्रश करने से दांतों के बीच में कीटाणु विकसित नहीं हो पाते हैं। रात में सोने से पहले दांतों को ब्रश करना एक अच्छी आदत होती है। अगर आप ऐसी आदत नहीं अपनाओगे तो 100% जो है आप बीमार पड़ जाओगे। क्यों? क्योंकि वो जर्म्स जो होंगे, जो चावल के दाने होंगे या सब्जी के जो दाने होंगे, वो दांत में फंस जाएंगे और वो सराने लगेंगे, और जब सराने लगेगा तो 100% है कि आपका जो है दांत दर्द होगा और आप परेशान हो जाओगे और इससे आप चिड़चिड़े बन जाओगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। उसके बाद आता है बालों को धोना, आंखें, कानों और नाखूनों को साफ करना। देखिए बालों के नियमित रूप से धोना तथा कंघी करने से बालों में धूल मिट्टी जमा नहीं रहती है और कीटाणु भी बालों से दूर रहती है। नाखून को छोटा व साफ रखना चाहिए। नाखूनों को मुंह से काटना अच्छी आदत नहीं होती है। ये बातें आदत जो होती है हर एक बच्चों में देखने को मिलता है कि वो क्या करते हैं, मुँह से वो जो है नाखून को काटने लगते हैं, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ जो कीटाणु होते हैं वो मुंह के थ्रू उनके पेट में चले जाते हैं और उनको बीमार कर सकते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और आंख पानी से आंखों को धोने से आंख के धूल कीटाणु से मुक्त हो जाते हैं। तो कभी भी आंखों को मत मलिए, उसको क्या कीजिए, अपने हाथों से उसको धोइए, ठीक है, आंखों में पानी झोंकिए, इससे आप क्लीन और स्वस्थ हो सकती हो। तो कुछ आदतें जो है हमारे जीवन को खुशहाल बना सकता है, तो इसे अपनाकर आप जीवन को स्वस्थ बना सकती हो। तो ये स्वस्थ रहने की कुछ बातें हैं जो आपको मानना चाहिए, और इसे आदत को अपनाने से आप जीवन में रोग मुक्त हो सकती हो। ठीक है, उसके बाद हमारा घरेलू स्वास्थ्य। हम अपने घर में झाड़ू और पोछा लगाते हैं ताकि हमारा घर साफ सुथरा और धूल मक्खियों से, कीटाणुओं से मुक्त रह सके। कचरे के कूड़ेदान में डालने से हम अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रख पाते हैं। इससे मच्छर मक्खियाँ नहीं होती है और जीवाणुओं के कारण रोग से भी नहीं होते हैं। प्रयोग किए जा चुके सेंटेनरी नैपकिनों को भी पुराने अखबारों में लपेट कर केवल कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, कहीं और नहीं, अन्यथा उनमें भी कीटाणुओं को पनपने का अवसर मिल जाता है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद दोस्तों हैं भोजन स्वस्थ। फलों और सब्जियों को खाने व पकाने से पूर्व साफ पानी में धोना चाहिए ताकि उन्हें कीटाणु तथा कीटनाशक यानी पौधों को कीट मुक्त रखने के लिए रसायनों का छिड़काव करना से मुक्त किया जा सकता है। ठीक है, पीने जो भोजन पकाने और बर्तनों को धोने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पानी को साफ सुथरे से ही प्राप्त करना चाहिए, जैसे नगर पालिका या पंचायत द्वारा उपलब्ध कराए गए नलों, हैंडपंप तथा ढके हुए कुओं से भी प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ये सब जो होते हैं थोड़ा स्वच्छ होते हैं और इन पे कुछ जिम्मेवारियाँ होते हैं जो उनको निभाना चाहिए, और जो है उनकी जो
पानी की सप्लाई है वो अच्छे से अच्छे करना चाहिए, जिससे कि हर व्यक्ति स्वस्थ हो सके। भोजन को साफ रसोई में तथा साफ सुथरे तरीके से तैयार करना चाहिए, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। भोजन पकाते समय उसे उच्च तापमान पर गर्म करना चाहिए, ताकि उसमें विद्यमान कीटाणु नष्ट हो जाए। तो ये चीज़ें जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है, कोई भी चीज़ को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। पके हुए भोजन को ताज़ा ही रखना चाहिए, या फिर ढक कर और ठंडे शुष्क तथा कीटाणु मुक्त स्थान पर रखना चाहिए, जिससे कि भोजन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम न रहे। दूध को रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए, और यदि इसे बाहर रखना है तो इसे पुनः उबाल लेना चाहिए, ताकि इसे कीटाणु मुक्त रखा जा सके। अगर ये आदतें हम नहीं अपनाते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य को काफ़ी प्रभावित करता है। उसके बाद व्यायाम है। नियमित रूप से चलने अथवा शारीरिक व्यायाम करने से स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। बाहरी खेल हृदय तथा परिसर तंत्र को सुचारू बनाए रखता है। पैदल चलने से आपके जोर और हड्डियां स्वस्थ रहती है, तो इन बातों पे हमें ध्यान बहुत देना जरूरी है। उसके बाद है नियमित नींद का आराम। देखिए दोस्तों, आराम करना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दिन भर की कड़ी मेहनत के पश्चात आप थक जाते हैं, और आपको मस्तिष्क तथा शरीर को आराम की आवश्यकता होती है, जो कि बहुत ही जरूरी है। अगर क्योंकि आपको पता है, परमात्मा ने भी इसीलिए रात को बनाया है कि व्यक्ति दिन भर अगर कार्य कर चुका होता है तो रात में जो है वो निद्रासन ही लेना पसंद करेगा, और इससे उसका शरीर का स्वास्थ्य जो है बना रहेगा। एक हल्की झपकी नियमित नींद तथा कुछ समय के लिए आराम आपके शरीर तथा मस्तिष्क को पुनः तरोताजा कर देता है। आपके शरीर को दोबारा ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ये आपके अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस प्रक्रिया को शरीर के उत्कों और पुनर्निर्माणों में भी सहायता मिलती है, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। धूमपान, मदिरापान तथा नशीला पदार्थों के सेवन से बचें। देखिए ये जो है चीज़ें ऐसी खतरनाक चीज़ है जिसको हर जगह बोली जाती है, लेकिन अपनाई कहीं भी नहीं जाती है, ठीक है। इनको बैन भी की जाती है, लेकिन हर जगह धड़ल्ले से उपयोग की जाती है। देखिए दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को धूमपान, तमाकुल पान, गुटखा तथा मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। इन पदार्थों का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो उत्पन्न होती है, जैसे कि आपका किडनी का खराब होना, हृदय संबंधी समस्याएं, दांतों तथा मसूड़ों का खराब होना, और मुंह के अन्य उत्कों की समस्याएं। आपने देखा होगा कि गुटखा और तमाकुल खाने वाले लोगों में थूकने की आदत सामान्य बात रहती है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से न केवल वे स्थान गंदी दिखाई देती है, बल्कि यह अस्वास्थ्य परिस्थितियों को भी जन्म देती है। आपको इन आदतों को दूर रहना चाहिए, और दूसरे की भी इस बुराई के आदतों से छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सरकार इस पर कुछ भी नहीं करेगी, इस पर करना आपको पड़ेगा। वो तो वहाँ पर नीचे लिख देती है कि ये सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन आपको आदत बदलोगे तभी जीवन का आपका स्वास्थ्य होगा। अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, अपने घर वालों से प्यार करते हो, अपने जीवन से प्यार करते हो, तो इनको ना करो सेवन तो ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये आपके शरीर को खोखला कर देता है, और किडनी को खराब करता है, आपको हृदय को खराब करता है, आपको दांतों को खराब करता है, और न जाने कैसे किस किस प्रकार कैंसर को जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको इनसे दूर रहने में ही भलाई है। आप टीवी के एड देख के क्या सोचते हो? कुछ भी नहीं सोचो। सोचो कि एक बार छोड़ना है तो छोड़ देना है, तभी जीवन जो है खुशहाल हो सकता है, तभी जीवन का आप आनंद ले सकते हो। अगला टॉपिक जो है दोस्तों हमारा क्या है, सामुदायिक स्वास्थ्य। पिछले भाग में आपने कुछ ऐसे तरीकों का अध्ययन किया है जो आपके स्वास्थ्य रखने में सहायक होते हैं। यद्यपि क्या आप केवल अपने प्रयासों के माध्यम से स्वस्थ रह सकते हैं? देखिए दोस्तों, प्रयास जो होती है बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर स्वस्थ रहना है तो प्रयास भी बहुत ही काफ़ी जरूरी है, ठीक है। निम्न स्थितियों पर विचार करें, क्या हो सकता है? पेय जल के अभाव में आपकी माँ पड़ोस के हैंड पंप पर ढके हुए कुएं से पीने का पानी लाती है, तो कैसे क्या होगा? बहुत दिनों से कचरा इकट्ठा हुआ है और उसमें से बदबू आ रही है तथा उसमें मच्छर और मक्खियाँ पनप रही, तो क्या होगा? सोचिए, विचार कीजिए। डेंगू मलेरिया जैसा संक्रमण रोग फैल गया है, अब क्या होगा? आपके देश के कुछ भागों में सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा आ गई है, तो क्या होगा? ऐसी प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य कैसा होगा? क्या इसकी कल्पनाकालीन तथा दीर्घकालीन प्रभाव होंगे, यानी अल्पकालीन होगा या दीर्घकालीन होगा प्रभाव? इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि अल्पकालीन जो कुछ समय के, दीर्घकालीन जो लंबे समय के लिए जो लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सामुदायिक स्वास्थ्य समाज, जनसाधारण तथा निजी संगठन, समुदाय तथा व्यक्तियों के संगठित प्रयासों द्वारा रोगों से संरक्षण तथा जनसंख्या को स्वास्थ्य को संबंधित करने की प्रक्रिया है। इसके उद्देश्य संपूर्ण जनसंख्या के स्वास्थ्य में सुधार करना तथा उपचार के स्थान पर रोगों के निवारण पर अधिक ध्यान
केंद्रित करना, ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने तथा उन्हें रोगों से मुक्त रखने के लिए सरकार तथा स्थानीय संगठनों द्वारा विभिन्न गतिविधियाँ तथा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। देखिए, सरकार बहुत सी गतिविधियाँ चला रही है, लेकिन फिर भी हमारा जो है वातावरण, हमारा जो है पर्यावरण दूषित है, चारों तरफ है। तो इसका जिम्मेवार मैं सरकार को नहीं समझता हूँ, जिम्मेवार मैं उन पढ़े लिखे जो महान व्यक्ति हैं उनको समझता हूँ, जो कि अपने जो फायदे के आड़ में इनका इस्तेमाल गलत तरीकों से कर रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि जब तक हमारा प्राकृतिक सुंदर स्वास्थ्य नहीं रहेगा, हमारा स्वास्थ्य भी सुंदर नहीं रहेगा। वो ये भूल जाते हैं कि मैं तो जो है महलों के घर में रहता हूँ, मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उनको ये समझ नहीं है कि जितना प्रभाव वो आम या आम गरीब व्यक्ति और जीव जंतु पर पड़ता है, उतना ही प्रभाव उन पर भी पड़ेगा और उनको स्वास्थ्य पर भी हानिकारक ही असर डालेगा। तो उनको जीवन सिर्फ घर में नहीं जी सकते, उनको पूरी बाहरी दुनिया में आना ही पड़ेगा। तो उनको महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए और ऐसे चीज़ों से जो है लोग जन कल्याण करना चाहिए और जन लोगों की सहायता करना चाहिए। गाँव नगरों और शहरों में साफ सफाई बनाए रखना, ताकि लोगों को जो रोगों को फैलने वाले कीटाणुओं को गुणों को रोका जा सके, इससे रोगों को फैलने से रोका जा सकता है। इसमें विभिन्न स्थलों से कचरों का निपटारण, साफ पैज, जल की आपूर्ति, अपशिष्ट एकत्रण प्रणाली आदि शामिल है, और इससे रोग वाहकों जैसे मच्छर तथा मक्खियों को प्रसार को भी नियंत्रण किया जा सकता है। खाद्य पदार्थ को भंडारण, मांस तथा दूध के विक्रय केंद्रीय मानक नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य को संबंध तथा रोगों के निवारण के लिए व्यापक सेवाओं की व्यवस्था जिसमें शामिल होती है, ठीक है, शिशुओं तथा बच्चों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम भी उपलब्ध होना चाहिए। मलेरिया तथा एड्स, पोलियो तथा कोर तथा हेपेटाइटिस बी जैसे रोगों के उपचार के लिए प्रति विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को ऐसे जागरूकता मिले, ठीक है। बढ़ते हुए बच्चों को पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए स्कूल में मिड डे मील, दोपहर का भोजन की व्यवस्था करना भी इसमें आना चाहिए। विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम का आरंभ करने, जैसे कि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, तपेदिक उत्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम, जनसाधारण को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अस्पतालों एवं डिस्पेंसरियों की स्थापना करना, सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क या अत्यधिक किफ़ायती दरों पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए आपको निम्नलिखित कार्य करने होंगे। अगर आप भी इतना अच्छा योगदान देना चाहते हो तो देखिए दोस्तों, तो इसके लिए आर फैक्टर जो है आपको उसको प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, रिसाइकल, रीयूज, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि समाज के लिए आप ही तो महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हो, दूसरा व्यक्ति क्या करेगा। अपने घर को साफ रखें, घर को प्रतिदिन साफ करना या झाड़ू लगाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको नियमित अंतरालों पर घरों में सफ़ेदी या धूम्रीकृत कराना चाहिए, ताकि कीटाणु तथा अन्य रोग वाहक रोग से दूर हो सके। अपने आस पड़ोस के साफ रखें, घर तथा आस पास पड़ोसियों को कचरे की व्यवस्था और उसके निर्धारित स्थान पर फेंकना भी महत्वपूर्ण कार्य है। कचरे को कूड़ेदान में न फेंक कर बाहर फेंकने से आसपास की वातावरण अस्वच्छता से दूषित होता है और मच्छर, मक्खियों तथा अन्य कीटाणुओं को पनपने के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैविक अवशिष्ट जीवाणुओं की सहायता से अवघटित होता है। कूड़ेदान को ढक कर रखना चाहिए तथा खाली होने पर उसकी सफाई भी करते रहना चाहिए। आगे हमारा क्या है, टीकाकरण। देखिए, टीकाकरण भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए। कुछ संक्रमण रोगों की सुरक्षा भी हमें प्रदान करता है। आप प्रतिदिन बड़ी संख्या में रोगजनक कारकों के संपर्क में आते हैं। आपका शरीर इनमें से अधिकतर कारकों से लड़ने की क्षमता रखता है। रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं सहित बाहरी कारकों को विरुद्ध स्वयं को सुरक्षा प्रदान करने की शरीर की अपनी संग्रह क्षमताओं को प्रतिरक्षण कहते हैं। प्रतिरक्षण दो प्रकार की होती है। देखिए, प्रतिरक्षण जो होती है इम्यूनिटी के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा और सुन सुन के आपका कान भी पक गया होगा, क्योंकि इम्यूनिटी रहेगा तभी आप स्वस्थ रहोगे, क्योंकि हमारा शरीर जो है इम्यूनिटी पर ही डिपेंड है। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है वो उस पर कोई भी बीमारी, इवेंट कि कोरोना भी उस पर अटैक करेगा तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कहते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको वातावरण के साथ साथ आपके भोजन भी स्वस्थ होना चाहिए। आपके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर से आपको स्वच्छ होना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो शायद आप स्वस्थ जीवन नहीं जी पाओगे और हर तरह के बीमारियों से ग्रस्त रहोगे। आए दिन आपको डॉक्टर के पास दो गोलियां खाना ही पड़ेगा और दो गोलियां खाते खाते आपका जीवन भी गोलियों में ही रह जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अच्छी आदतें अपनाओ, तभी जीवन जो है आपका स्वास्थ्यमय बन सकता है।
अब इम्यूनिटी जो होती है यानी प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा जो होती है दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक प्रतिरक्षा होती है, एक उपसर्जित या कृत्रिम प्रतिरक्षा। प्राकृतिक का मतलब होता है दोस्तों जो आपको जन्मजात प्राप्त होती है, और कृत्रिम का मतलब होता है जो आप अपने जीवन में रहते हुए कुछ बाहरी सोर्स से आप लेती हो, जैसे कि आपने कोरोना वैक्सीन लिया होगा, ठीक है, तो वो जो हो जाता है प्राकृतिक प्रतिरक्षा। और एक जो होता है हमारे जो होते ये हो जाता है कृत्रिम प्रतिरक्षा, सॉरी प्राकृतिक प्रतिरक्षा जो आपको माता पिता के दूधों से प्राप्त, जो पिता माँ जो दूध पिलाती है पहला गाढ़ा दूध, तो उससे हमें प्राकृतिक प्रतिरक्षा जो होती है विकसित होती है। और कृत्रिम जो होती है जो हम इंजेक्शन से लेते हैं, जैसे कोरोना वैक्सीन हो गया, तो ये चीज़ें होती हैं। तो देख लेते क्या है प्राकृतिक प्रतिरक्षा। यह प्रतिरक्षा व्यक्तियों को जन्म से ही प्राप्त होती है, और यह हमारे शरीर में किसी बाहरी रोगवाहक के प्रवेश के प्रति सामान्य सुरक्षा प्रदान करती है। यदि रोग शरीर में प्रवेश कर भी लेते हैं तो वे नष्ट हो जाते हैं। प्राकृतिक प्रतिरक्षा के कुछ घटक हैं विभिन्न प्रकार के अवरोध, जैसे त्वचा, श्लेष्मा झिल्ली जो शरीर में बाहरी रोगवाहकों के प्रवेश को अवरुद्ध करते हैं, उधर में हाइड्रोक्लोरिक अम्बल भोजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं। यदि एक रोगवाहक रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं तो जो है फेगोसाइटिस नामक विशेष प्रकार के श्वेत रक्त कोशिकाएं उन्हें नष्ट कर देती है, ठीक है। यानी कोई बीमारी हम पे प्रवेश कर जाती है तो वो जो है हमारे पास जो इम्यून सिस्टम होती है, ठीक है, जो हमें जन्मजात प्राप्त हुई है तो वो उसको नष्ट हो जा कर देती है। फेगोसाइटिस इस बाहरी रोगवाहकों को घेर लेती है और उसे नष्ट कर देती है। उपसर्जित प्रतिरक्षा, उपसर्जित प्रतिरक्षा यानी कृत्रिम प्रतिरक्षा तंत्र, यह प्रतिरक्षा को जीवन काल के दौरान विकसित होती है, यानी जब आप बड़ा होते हो धीरे धीरे तो आप वैक्सीन के रूप में इसको विकसित करते हो, इसलिए इसे उपसर्जित या कृत्रिम प्रतिरक्षा भी कहते हैं। यह परिजनों के प्रतिपिंडों के उत्पन्न करने के सामान्य सिद्धांत पर कार्य करता है। कोई रोगवाहक सूक्ष्म जीव जिसके विरुद्ध प्रतिपिंड उत्पन्न करता है उसे प्रतिजनन कहते हैं। प्रतिपिंड प्रोटीन अणु है जिनका उत्पादन शरीर के विशेष रक्षा कोशिका लसिका कणिका यानी लैम्फोसाइटिक्स द्वारा किया जाता है। लैम्फोसाइट यानी लसिका तंत्र जो होती है ये इसका विकास करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्वेत रक्त कणिकाएं ही इस प्रकार की, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और वो जो है हमारे लिए सुरक्षा तंत्र बनाती है। हम निम्नलिखित माध्यम से प्रतिरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आरक्षिता के माध्यम से एक रोग को किसी पिछले संक्रमण तथा आरक्षिता के कारण उस रोग के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है। यह प्रतिरक्षा प्राप्त करने की प्राकृतिक विधि है। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति को गलसुला या खसरा हो जाता है तो उसे इस रोग से जीवन भर की प्रतिरक्षा प्राप्त हो जाती है। या आपने देखा ही होगा कि किसी को छोटी माता हो जाती है या चिकन पॉक्स हो जाता है, तो उसको एक बार जब हो जाता है तो जीवन में कभी भी होने के चांसेस नहीं रहते हैं। लेकिन रेयर केस होते हैं जो दो बार हो जाता है, लेकिन होने के चांसेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको एक बार हो जाने के बाद उसके शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र ऑटोमेटिक जो है विकसित हो जाती है। उसके बाद है टीकाकरण द्वारा। टीके निष्क्रिय कमजोर रोगजनक या उनके उत्पाद होते हैं जो प्रतिदिन बाहरी एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो होता है उसी के जो होता है अमेच्योर फॉर्म होती है। जब शरीर में टीका लगाया जाता है तो ये विशेष रोगजनक के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर देता है, ताकि यदि रोगजनक भविष्य में वास्तव में संक्रमित करता है तो प्रतिरक्षण प्रणाली में उस संक्रमण के प्रति सुरक्षा पहले से विद्यमान हो, और जैसे उस पर आक्रमण करता हो वो फटाक से लड़के उसको खत्म कर दे, ठीक है। टीके द्वारा उपलब्ध कराए जाने के बाद सुरक्षा अवधि विभिन्न टीकों के मामलों में भिन्न भिन्न होती है। टीकाकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रतिरक्षा को पुनः स्थापित करने के लिए कुछ टीकों के मामलों में बूस्टर रिपीट खुराक दी जाती है, यानी बूस्टर टीका भी होता है जो कि दिया जाता है। उदाहरण के लिए डिपोथेरिया या कुक्कर खांसी तथा टेटनस जैसे रोगों के मामलों में संक्रमण से प्रतिरक्षा के लिए बूस्टर खुराक की आवश्यकता होती है। यह हमारे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के आधार पर निर्माण करता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न टीकों को लगाकर अनेक प्रकार के रोगों से नियंत्रण किया जा सकता है। यानी हम टीका लगा के जो है कई बीमारियों से बच सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। टीकाकरण कार्यक्रम में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होती है? आप सरकार द्वारा यानी आपके सरकार द्वारा जनसाधारण के लिए चलाए जा रहे विभिन्न टीकाकरण कार्यक्रम से अवगत होंगे, विशेष रूप से गर्भवती महिलाएं, शिशुओं और बच्चों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम। आपने पता ही होगा जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको हर तरह के टीका दी जाती है, ताकि ठीक है जो आपको यहाँ दिखाया भी जाएगा। नवजात शिशु के लिए प्राथमिक टीकाकरण कार्यक्रम उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। सभी सरकारी डिस्पेंसरी तथा अस्पताल में टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। अपने माता पिता से पूछें कि आपको वो आपके भाई बहन को बचपन में कौन कौन से टीके लगाए हैं।
जो आप देख सकते हो कि टीकाकरण कार्यक्रम के जो रिगार्डिंग क्या होता है, BCG, पोलियो की खुराक, DPT, हेपेटाइटिस बी, खसरा, यानी ये सारे टीके जो होते हैं प्रत्येक जन्म के समय BCG लगाई जाती है। छः सप्ताह के बाद इन सारे टीकों को लगाया जाता है, 10 सप्ताह के बाद ये लगाया जाता है, फिर 14 सप्ताह के बाद ये लगाई जाती है, और 9 से 12 महीने के बाद हमारा खसरा का टीका लगता है। तो इस तरह से जो है बच्चों को हर तरह से जो है ह्यूमन सिस्टम को बूस्ट किया जाता है, ठीक है। ये होता है प्राकृतिक रूप से नहीं होता है, ये होता है कृत्रिम रूप से, ठीक है। उसके बाद जो है बूस्टर खुराक लगती है, DPCA पोलियो के साथ में लगता है, जो 16 से 24 महीने में लगता है। फिर हमारा क्या है, DTT के लगता है 5 वर्ष के बाद, टेटना डक्साइड और TT के भी 10 वर्ष या 16 वर्ष पर लगता है। विटामिन ए का जो होता है 9-18 महीने में लग सकता है, ठीक है। उसके बाद है गर्भवती महिलाओं को टेटनस डक्साइड लगता है, पहली खुराक गर्भवत अवस्थान के दौरान लगाया जाता है, दूसरा खुराक, फिर तीसरा बूस्टर। तो इस तरह से जो है टीकाकरण की सारी चीज़ें जो होती है उपलब्ध होती है। इस प्राथमिक टीकाकरण आयु के प्रथम वर्ष में दिया जाता है ताकि शिशु को इष्टतम सुरक्षा प्रदान किया जा सके। टीकाकरण कार्यक्रम में किसी प्रकार का विलंबन शिशु के लिए इन संक्रमणों का जोखिम उत्पन्न कर देता है, इसलिए टीकाकरण का समय क्रम तथा आवृत्ति का अनुपालन ऊपर दर्शाए गए तालिका के अनुसार ही किया जाना चाहिए, इससे बच्चे का जीवन जो है सुरक्षित रह सकता है। ये सारे चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय पर टीकाकरण कराना, स्वस्थ रहना, अच्छे आदतें रखना, यही जीवन का पहलू है, स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा तरीका है। जो व्यक्ति स्वस्थ रह गया, समझ लिए जीवन में हर चीज़ प्राप्त कर लिया, क्योंकि स्वस्थ न रहने से न जाने कितने तरह की प्रॉब्लम जो है आपको सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। दोस्तों ये चैप्टर जो थी बहुत ही मज़ेदार थी, आपने देखा भी और पढ़ा भी और समझा भी। इस चैप्टर में बहुत कुछ बातें थी, अगर जो बच्चे ने समझ लिया, समझ लो इसका पूरा क्लियर हो गया है, ठीक है। ये सिलेबस जो है क्लियर हो गया और एग्जाम में भी बहुत अच्छा से वो लिख सकता है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग डेफिनेशन ही आएगा और अच्छे आते ही आएगी एग्जाम में। तो ये अगर पढ़ने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोस्तों अगर आप नए हो तो अभी भी जो है जो आपको रेड बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, इससे क्या होगा आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आप शायद मेरे से नहीं जुड़ पाओगे, क्यों, क्योंकि ये चैनल नया है और इसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो एक बार आपको अच्छा लगेगा, दोबारा आपको ये नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये जो ना आप नाम भी नहीं जानते हो कि इसका नाम त्रिपान स्टडी सेंटर है। तो इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, अगर मेरे साथ जुड़ना है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, ठीक है, और बार बार पढ़ना, बार बार समझना, तभी जाके है जो आप अच्छे एग्जाम में मार्क्स ले सकते हो। ओके दोस्तों, बाय।